दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई अगर सतगुरु को पाना है ना तो सिमरन करना पड़ेगा। ये अपने बहाने हैं मन के मोह के माया के, अपने बना रखे सभी को सरदार नंबरदार। ये मेरा मन है जी नंबरदार है, ये माया है ना, ये साहब बहादुर जी हैं, इन्होंने अपने को सिर पे तो पहले बिठा रखा है। आपने सिमरन क्या करोगे तुम, सिर पे सजाओ सतगुरु को। सिमरन स्टार्ट करना है ना सतगुरु को सजाओ। ये मोह माया के ऊपर क्यों आप क्यों बिठा रखा है आपने, इसको सिर पे क्यों चढ़ा रखा है। एक छोटा सा एग्जांपल है भाई आपको बताता हूँ। आपका कोई हवलदार दोस्त है, छोटा काम निकलवा लोगे, SI बड़ा काम निकलवा लोगे, इंस्पेक्टर है कोई और बड़ा निकलवा लोगे, SP है जिले का काम निकलवा लोगे आप, CM जानकार है भाई आपका, भाई सारी स्टेट का काम निकलवा लूँगा, PM है भाई सारे भारत का काम निकलवा लूँगा, और UNO संस्थाएं बड़ी बड़ी हैं सारी दुनिया का काम निकलवा लूँगा। अरे तुमने यारी किसके साथ डाली है, पूर्ण सतगुरु के साथ डाली है। जिसका यार सतगुरु है वो उससे वो काम छोटे भी कोई मर्जी काम करा लो यार, कोई मर्जी। बच्चे हैं उसके, उसके सामने अपने सामने मन आएगा। मान लो आप थानेदार के बच्चे हैं, अपने सामने कोई आएगा चौड़ा होके ये के है, दो रपटे मारेंगे अपा तो रख के, भाई के है बापू थानेदार है, पर अपना बापू के है भाई, अपना बापू तो दो जान का मालिक है। मन आएगा अपने सामने चौड़ा होके, मार दो रपटे रख के भाई, और के है माया आई चार मार दो चार जानटे, और उसको मेरा बाप कौन है पहले ये तो देख ले, दो जान का वाली है वो बच्चा को नहीं, दो जान का वाली है वो। और हाँ सतगुरु की दरबार की घंटी ना बजाते रहो, टू कर दी फिर टू कर दी फिर टू कर दी, अरे कभी तो टू अपनी सुनेगा, अरे कौन परेशान कर रहा मेरे को, और टू का जवाब कभी तो देगा, यानी कि सतगुरु ने टल्ली तो घर पे अपने लगा रखी है, उसको बजाओ भी तो, सिमरन तो करो, उसको समय तो दो। तो सत्संग जी एक ही संदेश देना चाहूँगा, हर काम करने से बनता है, बातों से नहीं बनता, काम करो, काम एक ही है भाई, इस दुनिया में आए हो ना, नाम तो जपना पड़ेगा, चाहे टेढ़े हो लो चाहे मेढ़े हो लो करना पड़ेगा। तो भाइयों मैंने तो अपने सिर से जब से मोह और माया को उतार के फेंक दिया ना, और सतगुरु को सजाया ना भाई, मेरे को सतगुरु को कहने की ज़रूरत नहीं होती भाई, मेरे को ये परेशानी है, मेरे को वो परेशानी आ रही है। अरे भाई परेशानी आनी को नहीं देता, जब हेड ऊपर बैठा है देखने वाला तो काहे की परेशानी यारी, उन लाली बस काम अपने आप सोल्व हो रहे ने, मालक दी रहमत हो रही है भाई। तो भाइयो मेरी तो राय यही है, मन को तो नौकर भी ना बनाओ, क्यों, अरे भाई आपके खाने में जहर डाल देगा, तब उसको तो उठा खाड़ के फेंक दो, नौकर भी ना बनाओ उसको तो मन को अपने। एक भाई एग्जाम्पल सा देना चाहूँगा छोटा सा, और जैसे अंबानी का बड़ा अकाउंट है भाई, सारों की नज़र उस पर रहती है भाई, हाँ अमीर बंदा है यार बढ़िया है, और जो इसके छोटे छोटे अकाउंट है 2000-3000 वाले उसको कोई नहीं देखता, क्या है गरीब है। अब 2-3 हजार वाला सरकार को गई भाई, भाई मेरे को सड़क बनाने का टेंडर दे दे, सरकार दे देगी क्या, क्या भाई तेरे पास, सरकार तो ये कहेगी ना खाने पीने को तो भाई तेरे लाले पड़ रहे हैं, तेरे मांग रहा टेंडर, वही बात रानियत की है, अकाउंट में तो अपने 4 घंटे सिमरन है, और मांग रहे सतगुरु से भाई नूरी स्वरूप के दर्शन दे दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, मेरा ये हल कर दो, भी सीधी सच्ची सरकार से ये मांग रहे हो आप, और हाँ अकाउंट में 4-4 घंटे सिमरन है। अरे भाई अकाउंट बढ़ाओगे, अकाउंट दिखाओगे सतगुरु को कि हाँ सतगुरु जी हमने इतना सिमरन किया है, रखोगे तभी तो कुछ काबिल सतगुरु बख्शेगा आपको। जिसका अकाउंट बड़ा होता सरकार भी तो उसी को लोन देती है ना, आपा तो अपने अकाउंट ही छोटे हैं, लोन कहाँ पे मिल जाएंगे, सिमरन ही थोड़ा है, लोन क्या अपने सतगुरु से मांगते हैं, दर्शन दर्शन कहाँ से हो जाएंगे, मेहर कैसे हो जाएगी, काम कैसे हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे क्या,
अकाउंट तो बढ़ाओ ना, सिमरन तो करो, अपना सिमरन तो शो करो ना अकाउंट में। अपना तो इधर से जाएंगे जब अपना शरीर भी साथ नहीं लेके जाएंगे, पर वो अकाउंट है ना, जो वो अकाउंट ऊपर जाके खुलेगा। भाई ये देख, ये इतने घंटे तेने सिमरन किया, इतने घंटे नहीं किया, ये जिंदगी में ऐसे तूने ये बता दी, वो अकाउंट जाएगा साथ। ये अपना ऊपर ये चमड़ा ले रहे हो ना, शरीर के ऊपर चमड़ा जो ले रहे हो साथ, ये भी नहीं जाना, जाना है सिमरन, जाना है तो सिमरन करना पड़ेगा, अकाउंट शो करना पड़ेगा। जो खुशियां लेनी है ना, बिन मांगे वाली, वो कहते ना बिन मांगे मोती मिले, वो वाली खुशियां लेनी है ना तो सिमरन करना पड़ेगा भाई। बातों से कुछ नहीं हल होएगा, करने से होएगा हल। धन दौलत से कुछ नहीं बनता, सच्ची दौलत है ना जो, वो है इस कलयुग में सिमरन, जो सतगुरु ने अपने को बख्शी हुई है। पर आपा करते को नहीं, सतगुरु ने हर सत्संग में कहा सिमरन करो भाई, टाइम फिक्स करो भाई, खाने का टाइम फिक्स है अपना, पैन जाने का ही, काम जाने का टाइम फिक्स है, सोने का फिक्स है भी, एक टाइम अपन नहीं भी जाते ऑफिस वो भी अपने को डांट पड़ती है भी, सारे काम फिक्स है, यहां तक कि बाथरूम में जाने का भी टाइम फिक्स है अपने शरीर का। पर टाइम फिक्स को नहीं, किसका, भगवान को याद करने का टाइम फिक्स नहीं, जिसने अपने को सच्चा राह दिखाया, इतनी रहमतें की, परिवार अच्छा दिया, धन अच्छा दिया, सब कुछ अच्छा दिया, उसके लिए टाइम को नहीं भाई, अपने पास एक सेकंड को नहीं, उसके लिए सौ सौ हजार हजार बहाने बनाते हैं, ये हो गया जी, वो हो गया जी, क्यों, सतगुरु ने रहमतें नहीं की तो। आप कहते हो ना ये दुनिया की चीज चाहिए, वो दुनिया की चाहिए, कुछ मर्जी मांगो सतगुरु से, खुले मंडार सतगुरु के, लेकिन अकाउंट में सिमरन शो करो भाई, उसको तो सिमरन चाहिए। जितना सिमरन शो करोगे ना, वो तो बिन मांगे देता जाएगा, ले ओ बैठा, ले बैठा, और रखदा को नहीं। एक बंदा बंदे पे पास आप दिहाड़ी करन जावे, वो अपने को दिहाड़ी देता है, मजदूरी करने आप जाते हैं, अपने को शाम को वो दिहाड़ी दे देता है। अरे वो आपा तो भगवान के पास जा रहे हैं, उसका उसके लिए जा रहे हैं, वो रखेगा के, मानस मजदूरी देता है, क्या रखे भगवान, भगवान रखेगा के कोई भाई, कोई नहीं रखता, कई गुणा बख्शेगा, कई गुणा, हजारों गुणा, मैं तो कह रहा हूँ हजारा गुणा उसका, बस सिमरन शो कर लियो अपने अकाउंट में, कर लियो भाई, फिक्स कर लियो टाइम। तो भाई सतगुरु ने तो ग्रंथ कितने छाप रखे हैं, उसमें एक एक प्रश्न का उत्तर दे रखे है, भाई ये ऐसे है तो इसका उत्तर ये है। अब निंदा पे कितने कितने बड़े टॉपिक लिख रखे हैं भगवान ने भी, निंदा एक ऐसा कर्म है जो बंदा थोड़े से क्षण में कर लेता है और बैक गेयर लग जाता है बंदे का रूहानियत में, थोड़े से क्षण में। परिवार में बैठे हैं, चुगली होगी भी, निंदा होगी, चल भाई बैक गेयर। अरे भाई दुनिया को देखते क्यों हो, जो दुनिया सच्ची है ही नहीं, उसके ऊपर आप मत्था पची कर रहे हैं, ये ऐसे है वो ऐसे है, जो सच्चा ही नहीं है उसके ऊपर क्यों मत्था मार रहे हो, जो सच्चा है उसके ऊपर मत्था मारो ना, उसके कितने सक्के हैं आप, उसके कितने सच्चे बनना चाहते हैं ना, तो उसके ऊपर मत्था मारना पड़ेगा भी, भगवान को न्यू ऐसे मिलता है भगवान, ऐसे मिलता है भगवान। ग्रंथ तो ले आके रख लिए, कई संग बहुत संगत है जो पढ़ती भी है और उनको हाँ हर एक सवाल का जवाब भी मिलता है। आप भी ग्रंथ पढ़ो, हर एक जवाब मिलेगा उसमें, सतगुरु ने हर एक एक क्वेश्चन का जवाब लिख रखा है। तो प्यारी सत्संग जी ग्रंथ जरूर पढ़ो। तो भाई सतगुरु के अगर दर्शन पाना चाहते हो ना, तो ये जो दोस्ती है, फोन है आज कल के, ये कूड़ पटांग है, टीवी है, ये है, ये तो है दुश्मन, सीधी सी बात है, भटकाने वाले हैं बंदे को। मैंने तो भाई इनको उखाड़ दिया, फेंक दिया, पर मालिक की रहमत से मालिक ने छुड़वा दिए, ये फोन फान, ये व्हाट्सएप हो गया, ये के ऐप के रच रखे है, इसमें टीवी सीरियल हैं, के मैगजीन मुगजीन, ये सब अपने उखाड़ के फेंक दी मालिक ने। बस वो मालिक के वचनों पर चल पड़े कि सिमरन करना है भाई, सिमरन बढ़ाना है, ये निंदा चुगली नहीं करनी भी। आपा तो मैं तो कह रहा हूँ मालिका, ऐसा कोई बंदा सामने ले आई मत जो निंदा चुगली करे, जो मेरा तेरे से प्रेम तोड़ने की बात करे, जो मेरे को रानियत में पीछे लेके जाए, उससे उस बंदे से भाई मत डालियो, उससे तो दूरी रखियो, ये तो आप अरदास करते हैं भैया, उसके सामने ना लेके आइयो उस बंदे, ऐसे बंदे को जो तेरे से दूर करे। अच्छा सत्संग जी, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा भाई।